सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में सुबह 5:30 से 8 बजे के बीच राज्य स्तरीय राहगीरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए प्रदेश के कई इंटरनेशनल खिलाड़ी पहुंचे। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। स्कूली बच्चों सहित युवाओं में भी राहगीरी कार्यक्रम को लेकर जोश देखने को मिला। इतने लोगों की भीड़ को संभालने के लिए रेंज भर से 1250 पुलिस जवानों को तैनात किया गया था। पानी बचाओ जीवन बचाओ की थीम पर आकर्षक पेंटिंग तैयार की गई। सीएम मनोहर लाल ने राहगीरी कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों और युवा बच्चों से मुलाकात की, जिससे इन युवाओं के चेहरे पर अलग ही खुशी देखने को मिली। सीएम सभी खिलाड़ियों से मिले, उनके खेल के पास पहुँचे और उनका हौसला बढ़ाया। देखिए, ये राहगीरी का कार्यक्रम है, बहुत आनंददायक है और हरियाणा के बहुत से जिलों में लगातार होता है। आज हिसार में आने का मुझे मौका मिला है, बड़ी प्रसन्नता की बात है। राहगीरी कार्यक्रम में बच्चों से लेकर युवाओं और खिलाड़ियों में जोश देखने को मिला। पहलवान गीता फोगाट और योगेश्वर दत्त भी कार्यक्रम में पहुँचे। दोनों ने सरकार की इस पहल की तारीफ की। ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और मैं काफी टाइम से मैं तो सोशल मीडिया पे देखती रही हूँ और आज यहाँ आने का भी मौका मिला, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इतने सारे लोग, कोई भी उम्र के हो, बच्चे हो, जवान हो, हर उम्र के लोग इसमें भाग ले रहे हैं बढ़ चढ़ करके। हर स्पोर्ट्स इसमें है एक्टिविटी, तो एक बहुत ही अच्छा मैसेज है लोगों को स्वस्थ रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए। और देखिए, जिंदगी तो चलती रहती है लेकिन हमारा स्वास्थ्य ठीक रहना सबसे जरूरी है और वो ये राहगीरी से एक बहुत ही अच्छा मैसेज समाज को जा रहा है। तो मैं हरियाणा सरकार को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इस तरह का कार्यक्रम उन्होंने आयोजन किया और लोगों को प्रेरित, उससे काफी प्रेरित हो रहे हैं। पीछे जो है जल का लगाओ आप या बेची बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का लगाओ, कुछ भी है, ये चीजें अच्छी चीज है जिसे कुछ लोग तो जागरूक होंगे और जब तक ऐसी अवेयरनेस नहीं आएगी तब तक लोगों को नहीं पता चलेगा, इसलिए लोगों में जो भी अच्छी चीजें पहुंचाना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं ये पहल युवाओं के लिए काफी खास है, जिसे लेकर युवाओं में जमकर उत्साह भी दिखा। हिसार से विपिन परमार और दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।